बात करते हैं महासमुंद की, जहां बाग बहारा के मोगरापल्ली में कांग्रेसियों ने महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू के निवास से घेराव किया। केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान नहीं खरीदे जाने के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता सांसद चुन्नीलाल साहू के गृहग्राम पहुंचे और सांसद निवास के सामने बैठकर नगाड़े बजाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के लिहाज से तैनात पुलिस बल और कांग्रेसियों के बीच में झूमा झटकी भी हुई। प्रशासन ने हस्तक्षेप के बाद कांग्रेसियों ने नायब तहसीलदार और सांसद के निजी सहायक को ज्ञापन भी सौंपा। सरकार ने यहाँ पर किसानों के ऊपर अत्याचार करते हुए केंद्रीय पूल से चावल लेने के लिए मना कर दिया है, जिसके कारण भारी अव्यवस्था का आलम भविष्य में आने वाला है। साथ ही साथ जो किसानों को भूपेश बघेल जी के द्वारा बोनस दिया जा रहा है, उस पर भी रोक लगाने के लिए साफ साफ उन्होंने पत्र के द्वारा लिखा है कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपसे केंद्रीय पूल का चावल भी नहीं लेंगे और हो सकता है धान की खरीदी भी आपसे रोक दी जाए।